सो वेलकम बैक गाइज। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि ड्रीम इलेवन इस एप्लीकेशन में आप किस तरीके से अपना एक टीम क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले तो हमने ये देखा था कि ड्रीम इलेवन में आप किस प्रकार अपना एक अकाउंट बनाते हैं और अपने आप को रजिस्टर करते हैं। और आइए आज समझते हैं इस एप्लीकेशन को और इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप किस प्रकार एक टीम, अपना ड्रीम इलेवन टीम बनाते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें टीम्स की, तो सबसे ऊपर देखिए आप क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स इवेंट है। और जब आप टीम की बात करते हैं तो आपको इवेंट सिलेक्ट करके, मैच सिलेक्ट करके ही उसके बाद उसके लिए एक ड्रीम इलेवन टीम बनाना होता है। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि अपकमिंग मैचेस थोड़े देर में, 5 घंटे 44 मिनट के आसपास में आज राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच है ना। और ये अमाउंट मेगा 16 करोड़ तक आप जीत सकते हैं। खैर, इस मैच को पहले आपको सिलेक्ट करना होता है, तो प्रोसेस होता है देखिए ऊपर सिलेक्ट मैच। तो मैंने आईपीएल 11 का, ये जो आज का आईपीएल मैच होने वाला है, वो मैच सिलेक्ट किया है। अब अगला है क्रिएट टीम। मैच को सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट टीम, तो अब मैं मैच को सिलेक्ट करने के बाद, अब देखिए टीम क्रिएशन की बात हो रही है। तो इसमें 11 मेंबर्स, तो 1 2 3 4, इस तरीके से 11, इसलिए इसको ड्रीम इलेवन बोला जाता है। इसमें रूल्स देखिए कैसा है कि, एक मिनट इसको फोकस में लाता हूँ। इसमें रूल्स कैसा है देखिए कि विकेट कीपर अभी आप 1 से 4 सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल 0 है, मतलब ब्रैकेट में अब तक हमने कुछ सिलेक्ट नहीं किया है। तो जैसे कि मान के चलिए मुझे धोनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि 1 से ज़्यादा विकेट कीपर की ज़रूरत नहीं है मेरे टीम में, है ना। लेकिन आप इससे ज़्यादा सिलेक्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल आप एक ध्यान रखना कि आपके पास 100 क्रेडिट होता है और आपको 100 क्रेडिट में ही अपना टीम बनाना है। तो मैं धोनी को एज अ क्रिकेटर ले रहा हूँ। देखिए जितना इनका क्रेडिट था वो क्रेडिट माइनस हो जा रहा है। इनका 9.5 पॉइंट का क्रेडिट था, मेरा 100 में से उतना चला गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बैट्समैन मुझे कौन कौन चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे बैट्समैन हैं, तो आपको कौन सा बैट्समैन चाहिए, और हर बैट्समैन के खिलाफ उसके पॉइंट्स और उसके क्रेडिट सिस्टम्स लिखे हुए हैं। तो मान के चलिए मेरे को वॉटसन स्मिथ, और मेरे को नीचे जाता हूँ मैं थोड़ा, मिलर और रॉबिन उथप्पा, ये 4 बैट्समैन। देखिए आप 3 से 6 बैट्समैन सेलेक्ट कर सकते हैं, कुल मिला के 11 ही होगा। 3 से 6 बैट्समैन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप सेलेक्ट कर रहे हो आपके क्रेडिट्स घटते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब मैंने जो बैट्समैन सेलेक्ट किए उसमें मेरा अभी तक जो सेलेक्ट किया उसमें राजस्थान रॉयल्स के 3 और चेन्नई सुपर किंग्स के 2 मेंबर्स शामिल है। अगला होगा ऑलराउंडर। ऑलराउंडर में मैं मानता हूँ कि बेन स्टोक्स से अच्छा ऑलराउंडर कोई होता नहीं है, और दूसरा मैं रविंद्र जडेजा को भी लूँगा। तो जैसे मैं ऑलराउंडर्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ 1 से 4, तो मैं समझता हूँ कि मैं 3 ऑलराउंडर सेलेक्ट करूँगा। तो एक तो मैंने इनको सेलेक्ट किया है, और मैं करन को भी, सैम कुरन को भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो आप कोई भी स्टेज पे अपना टीम प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि अभी तक आपके टीम में कौन कौन कितना सिलेक्ट हुआ है। उसके बाद ऑलराउंडर्स होके फिर मेरे बॉलर्स, 3 से 6 बॉलर अभी तक हमने जैसा किया है, हमारे पास 3 बॉलर का स्कोप है। तो एक जेफरी आर्चर, फिर मैं एक स्पिनर रखना चाहता हूँ इसमें, तो मैं पीयूष चावला को दूंगा, और एक फास्ट बॉलर लिंगरी। तो ये फिलहाल मेरा, अब मैं अगर अपना टीम प्रीव्यू देखूँ तो इस तरीके से टीम सिलेक्ट हुआ है। लेकिन अभी तक हमने टीम का जो असली कंपोनेंट है, कैप्टन और वाइस कैप्टन, सिलेक्ट किया ही नहीं है। तो वो कब होता है, इसके बाद जब हम कंटिन्यू करते हैं। तो अभी आपका कैप्टन और आपका वाइस कैप्टन आप सिलेक्ट करते हो। ये पूरा प्रोसेस जो आप सिलेक्ट करते हो ना, मतलब जो आप प्लेयर्स बना रहे हो, तो ये पॉइंट जीतने के लिए होते हैं। और कैप्टन और वाइस कैप्टन का यही होता है कि आप जब कैप्टन, आपका पॉइंट्स मिलता है तो उसको लाइक 2 टाइम्स हो जाता है। अगर कैप्टन को 1 पॉइंट मिल रहा है तो 2 पॉइंट हो जाएंगे, मतलब हर एक रन के लिए 1 पॉइंट मिलता है बैट्समैन को। तो अगर कैप्टन है तो उसे 2 पॉइंट मिलेंगे। तो खैर यहाँ पे मान के चलिए मैं धोनी को कैप्टन बनाना चाहता हूँ, और मैं वॉटसन तो नहीं, मैं बेन स्टोक्स को वाइस कैप्टन बनाना चाहता हूँ। तो अब मैं अपना टीम प्रीव्यू देख सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे कैप्टन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे वाइस कैप्टन ये दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद मैं सेव टीम करूँगा। आप इस टीम को ना जाने कितने बार चेंज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। इसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपने टीम तो क्रिएट कर लिया है, और जब मैच शुरू होगा लाइव तो आप अपना पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो जाएंगी, और आप पॉइंट्स भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो बैट्समैन, फील्डर, बॉलर सबके लिए पॉइंट्स अलग रहते हैं। तो आज जैसे कि ये T20 है, तो बैटिंग में आप देख सकते हैं कि हर रन के लिए 1 पॉइंट बॉलर को, बाउंड्री के लिए +1 बोनस, 6 के लिए +2, हाफ सेंचुरी के लिए +8, और सेंचुरी के लिए +16, और डिसमिसल अगर हो गया डक में तो -2। लाइकवाइज बॉलिंग के पॉइंट्स होते हैं,
तो विकेट के लिए 25, चार फोर विकेट हॉल के लिए 8, 5 विकेट के लिए 16 और मीडियम ओवर के लिए +8। फील्डिंग फिर ये पॉइंट सिस्टम है, तो आपके ड्रीम इलेवन में जिस तरीके से लाइक यू नो प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं, आपको इस तरीके से पॉइंट्स मिलते रहेंगे। और फिर लाइक जब आप कॉन्टेस्ट खेल रहे हो किसी के साथ, तो उनके टीम्स के उसके प्लेयर के पॉइंट्स इस तरीके से, जिसका सबसे ज़्यादा पॉइंट होगा वही जीतेगा, वही बाजी मार जाएगा। तो यहाँ तक आपने टीम क्रिएट कर लिया, उसके बाद क्या होगा, आपको कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइस पूल, मतलब ये यहाँ पे 49 रुपीज़ में, मतलब आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें इतने सारे स्लॉट्स लेफ्ट हैं, फिर बिगिनर्स, फिर हॉट कॉन्टेस्ट, फिर कई सारी चीज़ें। तो ये आप पे है कि आप कौन सा कॉन्टेस्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी कॉन्टेस्ट आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसके बाद लाइक आपको वो कॉन्टेस्ट में पे करना होगा, है ना। वो हम और एक ट्यूटोरियल देखेंगे, आज मैं आपको बस इतना ही बताना चाह रहा था कि आप किस प्रकार लाइक यू नो टीम बना सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि अभी आप समझ पाए होंगे कि टीम कैसा बनता है आपके ड्रीम इलेवन में। तो खेलिए IPL और जीतिए ढेर सारे पैसे, और हमें बताइए क्या आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया। अगर हाँ तो आपके ड्रीम इलेवन में कौन कौन है, कौन कैप्टन है, कौन वाइस कैप्टन है, किसको आपने ऑलराउंडर सेलेक्ट किया, किसको आपने बॉलर सेलेक्ट किया, कौन आपकी टीम में बैट्समैन अच्छे हैं आपने बनाए। तो खैर आने वाले ट्यूटोरियल तक मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।